तो इंडिया में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बायर हैं जिनको 8 लाख से लेके 12 लाख के बीच में बढ़िया MPVs चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है। फिलहाल अगर हम मार्केट की तरफ देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है अर्टिगा एंड उसी का दूसरा वर्जन एक्सेल सिग, साथ ही साथ महिंद्रा का मराजो है, लेकिन उसका डिमांड काफ़ी कम है। अर्टिगा जो है अभी करंट लीडर आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, लेकिन अब ये कहानी थोड़ी सी बदल सकती है क्योंकि ह्युंडई जो है अपने ब्रांड न्यू MPV को तैयार कर रही है और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिद्धमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि कंसिस्टेंटली MPVs का डिमांड जो है वो इंडिया में बढ़ता जा रहा है और मराजो, अर्टिगा, एक्सेल सिक्स के बाद जो दूसरा का सेगमेंट है वो फिर इनोवा का आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली प्राइस्ड है। तो यहाँ पे 8 लाख से लेकर 10-12 लाख के बीच में जो है यही कुछ ऑप्शंस बच जाते हैं और ये पर्टिकुलर सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि मार्केट्स लाइक रशिया, इंडोनेशिया, इन हर जगह में जो है MPVs का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अब अपने ब्रांड न्यू MPV को तैयार कर रही है। इस MPV का कोड नेम रखा गया है KS और मोस्ट प्रोबेबली इस पर्टिकुलर कार का नाम होने वाला है स्टार ग्रेजर। अब नाम सुनने से लगेगा मतलब स्टार ग्रेजर, बट ठीक है, ये एक नाम जो है अभी ह्युंडई रख रही है। अब अगर हम इस कार के प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो देखिए प्लेटफॉर्म अभी ह्युंडई के पास वही अवेलेबल है जिस पे ऑलरेडी क्रेटा एंड अल्काज़ार बनी है। अल्काज़ार क्योंकि एक ऑलरेडी 7 सीटर कार है तो उस पे जो है एक MPV बनाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मतलब ह्युंडई जो है आराम से बना लेगी क्योंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल है। डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं जो करंट डिज़ाइन थीम ह्युंडई का चला हुआ है जो कि अक्सर लोगों को काफ़ी ज़्यादा पोलराइजिंग लगता है, तो वो सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको इस आने वाले नए कार में देखने को मिल जाएगा। अब इसके जो इनिशियल टेस्ट म्यूल्स हैं उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने को नहीं मिली है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि ये जो आने वाली MPV है ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगेगी टू दी ह्युंडई 200। तो नए 200 के जितने भी डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो आपको इस कार में देखने को मिल सकते हैं, कुछ अल्काज़ार से भी जो है सिमिलैरिटी आपको मिल जाएगी। एंड ऑल इन ऑल इससे ज़्यादा जो अभी डिज़ाइन के बारे में चीज़ें नहीं मालूम है, लेकिन जैसा कि इस चैनल पे होता आया है जैसे जैसे चीज़ें मालूम चलती रहेगी आप तक अपडेट पहुंचता रहेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, तो हर प्लेटफॉर्म पे जो है आपको ऐसे मस्त अपडेट्स मिलते रहेंगे। बेसिकली सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। तो डिज़ाइन की बात होगी, प्लेटफॉर्म की बात होगी, अब बात करते हैं हम इंजन की। इंजन वही 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन जो है हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। ग्लोबली ये इनिशियली लॉन्च किया जाएगा विद अ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। ये सेम वही इंजन हैं जो हमने ऑलरेडी ह्युंडई क्रेटा, अल्काज़ार, सेल्टॉस में देखा है। उन्हीं इंजन को जो है यहाँ पे हम देखने वाले हैं इन दी न्यू अपकमिंग स्टार गेजर और ह्युंडई KS, और यहाँ पे 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स एंड 6-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बाकी फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स में आपको जो चीज़ें ह्युंडई की USP रहती है, दैट इज लार्ज टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, सनरूफ, ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर कार में देखने को मिल जाएगी। और जो चीज़ें एक्चुअल में अर्टिगा या मराजो में देखने को नहीं मिलती हैं वो सारी चीज़ें आप डेफिनेटली इस कार में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई फील कि ये एक काफी बढ़िया फीचर लोडेड कार होने वाला है जस्ट लाइक ऑल ह्युंडई कार्स। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये कार इंडिया में लॉन्च कब होने वाली है। वेल एक्चुअल में अभी तक इस कार के बारे में कुछ भी ऑफिशियल टाइमलाइन शेयर नहीं किया है ह्युंडई ने कि इंडिया में ये कार कब लॉन्च होगी। एक्चुअल में ये कार जो है अगले साल रिवील की जाएगी और इसका जो सबसे पहला लॉन्च है वो होने वाला है इंडोनेशिया में। इनफैक्ट ह्युंडई का इंडोनेशिया में एक ब्रांड न्यू फैक्ट्री आ रहा है और उस फैक्ट्री से रोल आउट होने वाली ये पहली कार होने वाली है। लेकिन इस वीडियो को भी बंद मत कीजिए क्योंकि इंडिया में जो है ये कार एक्चुअल में सबसे पहले आने वाली है किया की तरफ से और वो कन्फर्म्ड है। किया भी जो है इस सेम प्लेटफॉर्म पे इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रही है और उसका कोड नेम रखा गया है KY। ये पर्टिकुलर कार जो है आपको 2022 के मार्च अप्रैल में हमारे मार्केट में देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जो है वही सेम इंजन, सेम प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो जो क्रेटा, सेल्टॉस, वेन्यू, सोनेट वाला सीन है वही एग्जैक्टली सीन जो है यहाँ पे KS एंड KY का होने वाला है। अब ह्युंडई तो स्टार गेजर नाम रख रही है, इंडिया में किया क्या नाम रखने वाली है वो अभी एक क्वेश्चन मार्क है।
बट फिर भी हमें जो है मोर ऑर लेस मालूम है कि अभी ह्युंडई से पहले हम ये पर्टिकुलर कार देखेंगे किया की तरफ से। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आप एक एमपीवी लेने का सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो फिर कौन से एमपीवी के साथ जाएंगे या फिर वेट करेंगे इसी नए अपकमिंग ह्युंडई किया के एमपीवी के लिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। इसी के साथ वीडियो को हम खत्म करते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज वॉच योर सीट बेल्ट एंड ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक गाइडलाइंस।